हरियाणा के चुनावी दंगल के बीच भाजपा के अंदर खाने सीएम के कुर्सी के लिए तनातनी जारी है। अनिल विज की दावेदारी पर भले ही कोई ध्यान न दे, लेकिन उनकी दावेदारी को खारिज करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, वो भी तब जब विज के निशाने पर सीएम सैनी है। अनिल विज हरियाणा की राजनीति में 5 दशक से सक्रिय हैं। उनकी गिनती हरियाणा के भाजपा के सीनियर नेताओं में की जाती है। विज 2014 में ही मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन उस वक्त मनोहर लाल खट्टर ने बाजी मार दी। मार्च 2024 में जब खट्टर हटे तो विज की दावेदारी सबसे मजबूत थी, लेकिन पार्टी ने नायाब सिंह सैनी को आगे कर दिया। सैनी समुदाय से आने वाले नायाब सिंह के पीछे बीजेपी हाईकमान का हाथ था। इसकी भी कुछ प्रमुख वजह रही। 72 साल के विज को लगता है कि अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो भविष्य में राह आसान नहीं होगी। 2029 तक विज की उम्र 77 साल हो जाएगी, जहां उनकी दावेदारी को स्वीकार कर पाना बीजेपी में आसान नहीं होगा। विज 2014, 2019 और 2024 के शुरुआत से ही सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने तीनों ही बार उनकी दावेदारी को स्वीकार नहीं किया। विज की दावेदारी की दूसरी वजह प्रेशर पॉलिटिक्स है। विज सीएम पद पर दावेदारी ठोक कर चुनाव का वक्त बीजेपी हाईकमान पर सियासी प्रेशर बनाना चाहते हैं। दरअसल खट्टर के हटने के बाद से ही विज भी साइड लाइन ही चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी प्रेशर नहीं बनाया गया तो चुनाव के बाद उनकी पूंछ खत्म हो जाएगी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज छात्र जीवन से ही राजनीति में आए। अम्बाला के ACD कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वो अखिल भारतीय विधान परिषद से जुड़ गए। 1970 में उन्हें संगठन का महासचिव बनाया गया। हालांकि इसके बाद वो स्टेट बैंक की सरकारी नौकरी में चले गए। 1990 की शुरुआत में ही जब सुभाष स्वराज का सियासी कद बढ़ा और वे अम्बाला से दिल्ली आ गईं, तब बीजेपी ने विज से अम्बाला में चुनाव लड़ने के लिए कहा। वे सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अम्बाला छावनी से मैदान में उतर गए। वे जिसके बाद अम्बाला छावनी से कुल 6 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में जब बीजेपी हरियाणा में सरकार बनी तो विज के कैबिनेट में शामिल किया गया। खट्टर सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री थे। मार्च 2024 में जब मनोहर लाल खट्टर के बाद नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो विज नाराज होकर अम्बाला में बैठ गए। आखिर वो उन्हें मनाने सैनी पहुंचे। 22 मार्च 2024 को सैनी और विज के बीच करीब 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की गई। 21 मार्च 2024 को अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया पर एक शेयर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर जमाना हमारा। 2 अप्रैल 2024 को एक कार्यक्रम में विज ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि 2014 में मेरी वजह से पूर्ण बहुमत की सरकार आई, लेकिन कुर्सी खट्टर को दे दी। 2019 में खट्टर की वजह से जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, तब भी उसे सवाल नहीं पूछा गया। अब आइए जानते हैं कि हरियाणा में कितनी मजबूत है अनिल विज। अनिल विज अम्बाला की स्थानीय राजनीति में मजबूत नेता माने जाते हैं। अम्बाला लोकसभा के अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला में उनकी मजबूत सियासी पकड़ है। इन तीनों ही जिलों में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। 2024 में बीजेपी को इन तीनों ही में से 10 में से 10 सीटें मिली, लेकिन 2019 में ये संख्या घटकर 5 पहुंच गई। अनिल विज हरियाणा में पंजाबी समुदाय के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में। हरियाणा में समुदाय की आबादी करीब 8% है, जो जाट और दलित समुदाय के बाद सबसे ज़्यादा है। पंजाब बॉर्डर से लगे कई विधानसभा सीटों पर समुदाय की आबादी 30% के आसपास है। इतना ही नहीं, बीजेपी की 35-1 की फॉर्मूला में पंजाबी समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।